शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। माइक, पीटर, स्टीव, फिलिप, ब्रूस, कम डाउन। यो, डूड, व्हाट्स हैपनिंग? ये मेरा दोस्त है। हाय, हनी। हाय। 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 एंड मीट माय वाइफ। Oh, she's Kajal. Kajal. Boy, she's Kajal. Yes, she's Kajal. She's beautiful. Yeah. She's beautiful. Very cute. Lovely girl. She's quite nice. My wife, my love. जिसका मैंने सालों तक इंतजार किया। ये माइक मुझ पे हंसता था, कहता था कोई लड़की किसी का सालों तक इंतजार नहीं कर सकती। You're wrong, my friend. She's my wife who waited for me for 10 years. I'm on my honeymoon, guys. I gotta go. So you gotta go when you gotta go, right? ये लोग मुझे कैसे जानते हैं? अरे सच्ची मोहब्बत का गुलाल है, उड़ेगा तो पूरी दुनिया में फैलेगा ही ना, क्यों? आओ काजल, ये है मेरी मामा। जब मैं बहुत छोटा सा था ना, ये मुझे छोड़ के चली गई। दिन की रोशनी में भी इस घर में अंधेरा छाया रहता, और इस अंधेरे में एक अकेला सहमा हुआ बच्चा जिससे ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता, और वो चीखता, मामा वापस आ जा, मामा वापस आ जा। तब उस अंधेरे में रोशनी की किरण बोलती, बेटा काजल को इस घर में जरूर लाना, वो तेरी जिंदगी में खुशियों की बहार बनकर इस घर में आएगी। मैं अपने खाली दिल में तुम्हारी तस्वीर सजाकर इंतजार करने लगा। ये इंतजार मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी का आलम बन गया, और आज तुम इस घर में, ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी को मायने मिल गए, मेरी खुशियां फिर से आबाद हो गई। नहीं नहीं, रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उम्र का इतना लंबा अरसा हमने एक दूसरे के इंतजार में बिता दिया, अब बाकी का हिस्सा इस मोहब्बत के लंबे सफर में बिताना है। हाँ, आज के बाद हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा, यहां से भी नहीं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक भाई साहब, मैंने राजू को इतना खुश कभी नहीं देखा है। अरे इससे भी ज्यादा खुशी तो तुम्हें उस दिन होगी रमा, जब हमारा राजू हमारे कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाएगा। मगर भाई साहब, जिस दिन राजू को हमारे कारोबार की सच्चाई का पता चलेगा। नहीं नहीं, क्या नहीं, होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा रमा, आखिर वो हमारा खून है, जो रास्ता हमने उसके लिए चुना है उससे पीछे वो कभी नहीं हटेगा। You're right, मामा जी, दे दिया ना झटका। तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे बेटा, भाई अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी तो तुमने संभाल ली, अब हमारे कारोबार की बागडोर भी तुम्हारे हाथ सौंप रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। डोंट वरी मामा जी, राजू हर काम इंतहा की हद तक करता है, मोहब्बत की तो इंतहा तक, और अब बिजनेस भी संभालूंगा तो एकदम मोहब्बत की तरह। शरारती कहीं का। वेलकम बेटे। फैंटास्टिक, आज के बाद तुम इस ऑफिस से अपने फैसले और हुक्म जारी करोगे। इट्स ऑल योर्स, कम अलोंग बेटे। अरे बैठो बेटे। कैसा लग रहा हूं डैड? ये कुर्सी, ये फैक्ट्रियां तुम्हारी आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि उस तरक्की की तरफ उठा पहला कदम, जहां एक बहुत बड़ा एम्पायर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डोंट वरी डैड, मैं बहुत मेहनत करूंगा, उस एम्पायर को बहुत जल्द हासिल करके उसे इतना ताकतवर बनाऊंगा जिससे मैं सारी दुनिया जीत सकूं। बस मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हेलो
हाँ मैं बोल रहा हूँ। आई लव यू काजल। आई लव यू काजल। आई लव यू। ए हेलो सोना, अरे कुछ तो बोलो। आई लव यू। कुछ तो बोलो। ए हेलो, देखो अगर तुमने मेरा जवाब नहीं दिया तो मैं कह दूंगा कि आई हेट यू। बट आई लव यू। दे दिया ना झटका। ए लेकिन तुम चुप क्यों थी? ऐसे ही आपकी जुबान से अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्या कर रहे थे जनाब? तुम्हें देख रहा था, तुमसे प्यार कर रहा था। धत, बेशरम कहीं की। सब तेरी मोहब्बत है। Hey, what is this? तुमको कितनी बार कहा है कि ऑरेंज कलर की साड़ी के साथ रेड कलर का नेल पॉलिश नहीं लगाते? लाइट ब्राउन लगाया करो यार। राजू, तुम्हें ये सब कैसे पता? सब तेरी मोहब्बत है। और तुम्हारी मोहब्बत हमें ऐसे लगता है जैसे हजारों बिजलियां हमारे अंदर कौन गई हो। हम रोशन हुए आपके अंदर जस्ट होते जाते हैं। हमारी धड़कनें, हमारी सांसें आपसे कुछ कहना चाहती हैं। आप कुछ मत कहो, बस सुनते जाओ, सुनते जाओ। इस दीवानगी में पागल हुए हम आपसे इतना प्यार करना चाहते हैं, इतना प्यार करना चाहते हैं। तो कर लो ना, बंदा हाजिर है। राजू तुम यहाँ? दे दिया ना झटका। काजल, ये सिर्फ तेरी मोहब्बत है। अरे मैं चाबी अंदर भूल गया, अभी ले गया है। टाइम पास, इधर आ। कैसा है रितु, ये क्या हाल बना रखा है तूने? और करण भाई का नहीं पूछोगी? क्या पूछूं? शायद जिंदगी ने यह हक मुझसे छीन लिया है। दे देना झटका। क्या सोच रही हो, तुम्हारा कुछ खो गया है क्या? कुछ नहीं, चले। ऑफ कोर्स, द नाइट इज स्टिल यंग, लेट्स पेंट द टाउन रेड। लेट्स गो। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। आज मुझे आपको अपना बाप कहते हुए शर्म आती है। मिस्टर रमाकांत सहाय, तुम्हें शर्म आने लगी है मुझे अपना बाप कहने में? क्योंकि मैं गैर कानूनी काम, ड्रग्स, हथियार, मौत का व्यापार करता हूं। देशद्रोही हूं मैं। हां मैं हूं, देशद्रोही हूं मैं, देशद्रोही हूं मैं। अब राज खुली गया है तो सुन, हमारी दुनिया दौलत और मौत का वो चक्रव्यूह है जिसमें एक बार दाखिल हो जाओ तो कोई वापसी नहीं, समझे? तुम इस दुनिया में दाखिल हो चुके हो मिस्टर राजनाथ सहाय। अब कैसी तबीयत है काजल की? घबराने की कोई बात नहीं है राज, ऐसी हालत में अक्सर ऐसा होता है। क्या मतलब? माँ बनने वाली है, ख्याल रखा कीजिए। अच्छा मैं चलती हूँ। Thank you.
दे दी ना झटका। अगर आज तुम बेहोश नहीं होती तो इतनी बड़ी बात का मुझे पता नहीं चलता। हाँ, अगर आज हम बेहोश न होते तो इतनी बड़ी बात हमें भी ना पता चलती। मां बनकर पूरी औरत बन गई हो, पहलियां भी बुझाने लगी हो। हाँ, बस इसी चीज की कमी थी। अब देखना, मैं कोई कमी रहने नहीं दूंगा। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे सब कुछ दे दूंगा, अपनी हर कीमती शय। नहीं, क्या क्या देना चाहते हैं आप? जुर्म और कतल से कमाई हुई ये दौलत? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें वो कमाई जिसके पैसे पैसे में से बेगुनाह इंसानों का लहू टपक रहा हो। काजल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब मुझसे अनजाने में हुआ है। अनजाने में ही सही, लेकिन दूसरों की जान लेने में आप हिस्सेदार तो बने, और आपके साथ साथ हम भी इस पाप में शामिल हो गए। इस महल की छत के नीचे रहती रही, जिसके हर एक ईंट के नीचे ग्लास दबी हुई है, इस मुर्दा घर में गूंज रही चीखों से हमारा दम घुटता है। दम, आखिर हमारा कसूर क्या है? कसूर न मेरा है ना तेरा, कसूर हमारे दामन का है, जिसमें फूल भी गिरे तो कांटे बन गए। मैंने कुछ नहीं किया काजल, कुछ नहीं किया मैंने। अरे, आपने तो हमारी जीने का मकसद ही छुटला दिया राजू। मां बनने से पहले ही हमारे दूध में जहर घोल दिया, हंसने हंसाने की बातें करते करते हमें इतना रुला दिया कि इन आंसुओं के सैलाब में हमारे प्यार का आशियाना ही बह गया। और ये हमारी कोख में पल रही इस नन्ही सी जान को हम ऐसी दुनिया देंगे जिसमें पलकर वो एक देशद्रोही दरिंदा बनेगा, और हम होंगे उस दरिंदे की बदनसीब माँ। एक दिन लाशों के ढेर पर बैठे हुए हम अपने बच्चे के शरीर पर गोलियां उतरते देखेंगे। अगर जुर्म की दुनिया का अंजाम ऐसी ही दर्दनाक मौत है तो इसे जिंदगी देने का क्या फायदा? नहीं, नहीं चाहिए हमें ये बच्चा, नहीं चाहिए हमें ये बच्चा, नहीं चाहिए हमें ये बच्चा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं काजल, नहीं, नहीं काजल, बस करो काजल, बस करो। नहीं चाहिए, नहीं काजल, नहीं, बस करो काजल। मैं छोड़ दूंगा ये दुनिया, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं अपने बच्चे को उसकी विरासत में वो नहीं दूंगा जो मुझे मेरे बाप ने दिया है। उसकी विरासत में होंगे तेरे सपने, उसकी विरासत में होंगे मेरे सपने, जो हम दोनों ने मिलकर संजोए। मैं वादा करता हूं काजल, मैं वादा करता हूं, हमारा बच्चा इस जुर्म की दुनिया में नहीं पैदा होगा, हमारा बच्चा इस जुर्म की दुनिया में आके नहीं खोलेगा, नहीं खोलेगा आके।